नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम की आज भी रैलियां जारी रहीं, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा और बोला कि आपका वोट समर्थन देश सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना, भारत को ताकतवर बनाना है ना, आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये घोर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन घोर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन घोर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन घोर परिवारवादियों से सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार का जोर बढ़ा दिया है। इसी क्रम में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में सभा की और इस दौरान गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अभियान चला है 14 के बाद 17, 17 के बाद 19
और अब 19 के बाद 22, ये अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांट कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया। आज मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, 1 करोड़ 67 लाख गरीबों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। 1 करोड़ 41 लाख घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी अंधियारा था, 1 करोड़ 41 लाख घरों में निशुल्क बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं, जिसमें 5वां चरण बीते कल यानी कि रविवार को खत्म हो गया था। वहीं बचे हुए 2 चरणों के लिए सभी दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मिर्जापुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बीजेपी के प्रचार के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गाँव नहीं बचा जहाँ लोग राशन से वंचित हों। भाजपा ने महिलाओं को सम्मानजनक जीवन दिया है, ये सब पीएम के नेतृत्व में किया गया है। हम महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं, और क्या कुछ दावेबाजी किए हैं आप भी देखिए। ये रिपोर्ट कार्ड रखना और अपने बारे में बताना कि हमने क्या किया है, ये ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के ही कार्यकर्ता दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। क्या यहां समाजवादी पार्टी का कोई नेता आके बोल सकता है कि मैंने ये विकास का काम किया? कह सकता है क्या? कहेगा क्या? वो तो यही कहेगा ना कि हम तो काली गाड़ी वाले भेजा करते थे, बंदूकधारी। याद है वो तस्वीर 5 साल पहले की? याद है आप लोगों को? वो काली गाड़ियां सरपट घूमती थी। तो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, अगर है तो सिर्फ एनडीए के कार्यकर्ता और नेता के पास है। इस बात को हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राशन मिला था कि ना? मिला था कि ना? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और योगी जी का नमक और चना मिलता है कि नहीं मिलता है? और साथ में तेल मिलता है कि नहीं मिलता है? और मोदी जी का उज्ज्वला का चूल्हा, गैस का चूल्हा मिलता है कि नहीं मिलता है? सिलेंडर मिलता है कि नहीं मिलता है? और अभी आप फिर से विनोद जी को चुनाव जिता के भेजेंगे 7 तारीख को, होली और दिवाली में बहनों को 2 सिलेंडर और मुफ्त का मिलेगा। इसको भी हमको याद रखना चाहिए, 2 सिलेंडर होली और दिवाली में। यह है अंतर, यह है गरीब की चिंता, यह है महिलाओं की चिंता, यह है युवाओं की चिंता, यह किसानों की चिंता। मैंने जो कहा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन लोगों की चिंता किसने की है? इसकी चिंता की है तो भारत।
यूपी में अब दो चरणों का मतदान शेष है, ऐसे में सभी सियासी दिग्गज पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में। छठे चरण में गोरखपुर में भी मतदान है, ऐसे में सीएम योगी पहली बार चुनावी रण में है और इसी को लेकर सीएम लगातार चुनावी रैलियां कर जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं। आज कई जगह पर सीएम ने रैलियां की और जनता से जीत की अपील करते हुए अपनी नीतियों के बारे में जानकारी दी। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने अथवा रोजगार अथवा सफल रोजगार के साथ देने के, और यही नहीं 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों दोनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से और हमने तय किया है कि अब 2 करोड़ नौजवानों को इस सुविधा देंगे। कोई खर्चा आपका नहीं आने वाला, सरकार आपके हितों के बारे में सोच रही है, विकास के बारे में सोच रही है, नौजवान के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में सोच रही है। हमारी संवेदना किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। जलालपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं कर रही है, बीजेपी की हार तय है और किस तरह से निशाना साधा है आप ही देखिए। हमारे कार्यकर्ता कह रहे संघर्ष करो, अब तो आपको वोट डालना है और सरकार बनाना है। ये पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता पहले से तैयार है और ऐसा जोश और उत्साह शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी देखने को नहीं मिला। लग तो ये रहा है कि जिस तरीके से 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगा है और 6वें चरण में आते आते पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया न हो जाए, और ये जिला तो वो है जो ये जिला करेगा वही आगे के जिलों में होगा। ये जो सहयोग दिखाई दे रहा है अब कोई टिकने वाला नहीं है, और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनके नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं, अब सड़कों पे भी कोई बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। जिस जलालपुर ने, जिस विधानसभा ने समाजवादियों को उपचुनाव में जिता दिया, उपचुनाव में आपने हमारी मदद की, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार जब वोट डालने जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नजर आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं इस जुबानी जंग के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार अपने विपक्षी दलों पर हमलावर रहती है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बसपा सरकार बनने को लेकर जनता से कई वादे और दावे भी किए। क्या कुछ जनता से देखिए। इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी
जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास से उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। छठे और सातवें चरण का चुनाव अभी शेष है और ऐसे में कई बड़े दिग्गज वार पलटवार करते रहेंगे, जुबानी जंग यूं ही देखने को मिलेगी और तब तक हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।